आप ओवर कॉन्फिडेंट होके खेल रहे हो, मैं मार दूंगा छक्का, मैं मारा छक्का, देखा क्या मारा उन्होंने, ठाक से छक्का मारा, अलजारी जोसेफ को जो छक्का मारा लाजवाब ना कप्तानी की। अभी तक इतनी जल्दी ये कहना मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि कप्तानी में आईपीएल में तो बहुत इंप्रेस किया और बीच में उसके बाद इंडिया की भी जब कप्तानी की, ऐसा नहीं है कि हार्दिक ने इंप्रेस नहीं किया, हार्दिक ने अच्छी कप्तानी की, लेकिन पिछले दो मैचेस में हम देख रहे हैं कि हार्दिक का जो स्वैग है ना, जो कॉन्फिडेंस है और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच हमने देखा हार्दिक की बहुत एक ना, कब वो ओवर कॉन्फिडेंस में कदम रख देते हैं उस पाले में ओवर कॉन्फिडेंस के, हमें पता नहीं चलता। वो बहुत महीन रेखा है, वो बहुत महीन रेखा है हर किसी के लिए कि कॉन्फिडेंस से कब आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाए, और कहते हैं ना हिम्मत से कब आप बेवकूफी की तरफ चले जाए। तो ये बड़ी वो होता है कि आप वन टू वन एक आदमी से लड़ सकते हैं, दो आदमी से लड़ सकते हैं, लेकिन चार है आप बोल रहे हैं मैं चारों से भी लड़ूंगा, तो आप वहां पर हिम्मत वाले नहीं कहलाओगे, आप बेवकूफ कहलाओगे, वहां पे आप बैकआउट कर जाओगे, चार वर्सेस वन नहीं लड़ सकते, बिल्कुल दो से आप फिर भी लड़ सकते हो, वहां तक आप हिम्मत वाले कहलाओगे, उसके बाद आप बेवकूफ वाले कहलाओगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का भी कहानी यही है। जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, अब आप देखो बॉडी लैंग्वेज हार्दिक पांड्या की, ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया 164, 184, 4 या 5 है, बहुत हम कंफर्टेबल पोजिशन में है, हमारे देख के स्कोर बोर्ड, हम जब एज अ व्यूअर्स हम टीवी में स्कोर बोर्ड देख रहे हैं, भाई 110 में हम लोग 6 हो गए, ठीक से खेल लो, लेकिन हार्दिक की बॉडी लैंग्वेज देखो तो ऐसा लग रहा था 180 पे 6, 180 पे 5, कोई टेंशन नहीं था, कोई पैनिक नहीं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन लेकिन उसके पीछे क्या था, उन्होंने अपने फियर पर पर्दा डाला हुआ था, अपने अपने डाउट्स पे पर्दा डाला हुआ था वहाँ पर, इसका मतलब आप इसका मतलब प्रिटेंड कर रहे हो उस समय कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टीम को 200 तक ले जाऊँगा, 180 तक ले जाऊँगा, लेकिन जिस तरीके से वो बोल्ड होते हैं उसको मुस्कुराते हैं, वहाँ पर हार छिपी हुई दिखती है। कहीं ना कहीं आप उस कॉन्फिडेंस को दिखाने के चक्कर में ना आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर खेल रहे हो, मार दूंगा छक्का, मारा छक्का, देखा क्या मारा उन्होंने, ठाक से छक्का मारा, अलजारी जोसेफ को जो छक्का मारा लाजवाब, स्ट्रेट सिक्स मारा है, तो वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है और उसके बाद आप एक यॉर्कर में डंडे पे खा जाते हो। तो ये छुपाने की कोशिश, स्वैग उन पर हावी होता है। तो मैंने कल अपने ट्वीट भी किया था कि मुझे आज हार्दिक पांड्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैप्टन लगा, यही बात, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे, ऐसा लगा कि उनका दिमाग जो है ना बिखरा हुआ था, मुझे कॉन्फिडेंस है या मैं डरा हुआ हूँ या ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं बहुत, कोई टेंशन नहीं है, मैं जीत जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं संभाल लूंगा, मैं कैप्टन हूं, शिप अंदर की, मैं नहीं डूबने दूंगा, चल बता उसको छुपा, डूब रहा है, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि शिप डूब रहा है, वो जो 2 छेद होंगे उनको बंद कर लो, उसके बजाय वो शिप को चला जा रहा है, पानी फेंके जा रहा है, फेंकता रहूंगा, लेकिन वो छेद बड़े होते जा रहे हैं, पानी भरता जा रहा है जहाज के अंदर और डूब रहा है।